सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामन। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल थाना क्षेत्र के जमसम दुर्गा मंदिर में। जमसम में स्थित ये दुर्गा मंदिर देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक रात अष्टमी का दिन था और इस अवसर पर यहाँ एक जागरण का प्रोग्राम चल रहा था। आप देख सकते हैं यही वो कैंपस है। लोगों ने बताया कि प्रोग्राम चल रहा था, उसी दौरान रात में अचानक एक आवाज़ होती है, हल्ला गुल्ला हो जाता है, जिसे समझाने के लिए कुछ बड़े बुजुर्ग लोग जो इस दुर्गा मंदिर समिति के कोई अलग अलग ये कह सकते हैं कोई अध्यक्ष है, कोई समिति के मेंबर है, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। समझा बुझाकर झगड़ा को शांत करा दिया जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद अचानक फिर वही लोग एक मोब बनाकर आते हैं और मारपीट अंजाम देते हैं। मारपीट के दौरान कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं और जख्मी होने के बाद जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। इन लोगों ने, यहाँ के लोगों ने बताया कि इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी जाती है, पंडौल थाना यहाँ आती है और मामले का जाँच कर कार्रवाई की उम्मीद देती है, दिलाती है और कहती है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। अभी हम जानते हैं यहाँ के लोगों से मिलकर, जो जमसम में जो दुर्गा मंदिर है, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो सब मेंबर हैं, उनसे मिलकर हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार रात ऐसा क्या मामला हुआ कि झगड़ा की स्थिति पैदा हो गई और फिर कुछ लोग चोटिल और जख्मी हो गए। सर, क्या नाम है आपका? रघुनाथ झा। सर, दुर्गा पूजा का भी त्यौहार चल रहा है, कल अष्टमी का कार्यक्रम चल रहा था आपके यहाँ इस मंदिर के कैंपस में, क्या हुआ था कल रात में? कल मैं आपको एक छोटा सा ये कह दूं कि मैं 60 वर्ष इस मंच पर मैं आ रहा हूँ, 7 वर्ष की अवस्था से, और 45 वर्ष में मैं इस मंच का संचालन कर रहा हूँ। यह एज होते हुए मैंने इसमें सक्रिय रूप से मैं योगदान दे रहा हूँ। हम लोग वहीं स्टेज के बगल में बैठे हुए थे तो एकाएक हंगामा हुआ तो प्रोग्राम हमारा डिस्टर्ब होने लगा था जी। तो डिस्टर्ब होने लगा तो भाई गए हम आगे, देखे सब प्रोग्राम हुर हो गया प्रोग्राम में एकदम से। देखे जो जस्ट स्टेज के बगल में कुछ लोग जो है सो अपने आप में धक्का धुक्की सब कर रहे थे, नौजवान लोग था या फिर बड़े? हाँ, नौजवान भी थे, कुछ एजेंट भी 50-55 वाले भी, जैसे सुदेश प्रसाद करके हैं, सरपंच भी हमारे वो भी थे वहीं पर, और मुख्य रूप से उनके बच्चे जो हैं राजा प्रसाद है और गौरी प्रसाद करके नाम है उसका, वो मुख्य रूप से वो हंगामा कर रहा था। हमने कहा भैया अपने गांव का है, सब गांव वाले चंदा देते हो और हमारे यहाँ ये 600 बरस से पूजा हमारे यहाँ जी हाँ 14वीं 15वीं शताब्दी से हमारे यहाँ 16वीं शताब्दी से पूजा हो रहा है यहाँ, साढ़े 600 वर्ष। तो हम अपने गांव का ये प्रोग्राम है, ये है इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है ये जागरण का, क्यों इस तरह का हंगामा कर रहे हो? कहा कि जाइए हम आपसे नहीं बात करेंगे, जाइए हम आपसे, हमको धक्का देते हुए जाइए हम आपसे बात। किसने दिया? सरपंच ने दिया? नहीं, सुधी ये क्या कहते हैं राजा लड़का। जाइए आप यहाँ से, जाइए आप। फिर और ग्रामीण लोग, बहुत ग्रामीण लोग थे, वो लोग शांत हल्ला उल्ला शांत करवा के ये हुआ, वहीं पर हमको चैलेंज देने लगा, देख लेंगे आपको, हम आपको हम देख लेंगे, निकलिए ना बाहर, हम आपको देख लेंगे, इस तरह का थ्रेटनिंग देने लगा हमको। आज तक छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े आज तक इस तरह की भाषा मेरे साथ नहीं यूज़ की। संयोग से जब मैं वहाँ से निकला तो कुछ देर के बाद प्रोग्राम चल रहा था, ये हो रहा, प्रोग्राम फिर शुरू हो गया आपका? जी प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम चल, जी हाँ प्रोग्राम चल ही रहा था। उसके बाद हम जो है सो प्रोग्राम जब लास्ट होने पर हुआ तो मेरा भाई हैं श्रीनाथ झा जी, उनको मैंने कहा जो बोले ये चलिए, हम कहें अब आर्टिस्ट लोगों को कुछ खाना वाना खिला देंगे तभी हम लोग, चूँकि सब बार हम लोगों को, मेरा छोटा भाई इसका मनोरंजन प्रभारी है, चचेरा भाई है वो प्रभारी है, वो कह दिया भाई जी जरा खाना वाना खिला दीजिए, ऐसे हम भी हैं, हमको लग गया था जरा हम बाथरूम पर अब जाने लगे थे। एकाएक वो राजा प्रसाद आया, अटैक कर दिया हमको। अरे हमको क्यों ये अथी कर रहा है? और वो जो हंगामा जब हुआ तो सब शांत हो, ग्रामीण लोग शांत करवा के दिए, सब चला गया था, देखा जब प्रोग्राम खत्म हो रहा है लोग घर पर निकलेंगे, एकाएक हम पर अटैक कर दिया और गिरा भी दिया हमको,
और ये हम ऐसे रोके इसको, इसे सोच मारा इसको, ये मतलब कि कुछ से मारा हुआ है, हाथ वाथ से मारा हुआ है या कोई ये है उसे निकालिए, मतलब आप बोलिए ना। हाँ ये हमको पहले तो गोली के अथी काज गोली मार दे थी, उसका छोटा भाई काज गोली मार देंगे, गोली मार देंगे उसका बाप सुनिश मार दो गोली, गोली मार दो उसको। और हम जो है सो, लेकिन बुझाया जो हमको ये छुरा से, ये डैगर से ये किया, उसका छोटा भाई जो था से गोली से मारने का प्रयास किया। तब तक मेरे छोटे भाई देखे जो हमको ये घेर लिया है, वो दौड़े, वो जो बचाने का ऐसे छुरा को किए उनको के हाथ पर भी, उनको भी आपके छोटे भाई ये है ये बात करेंगे इनसे हम। हाँ सर, आप ये बताइए हमको कि सरपंच ये कौन सा पंचायत पड़ता है आपका? ये पंडोल पूर्वी पंचायत है ये। तो सरपंच इनके जो है आपके फादर हैं, उनके फादर है ये राजा। क्या नाम है सरपंच का? उनका घर यहाँ से कितना दूरी पड़ता है? यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर दूर घर उनका है। मेरा कहना यह है जब झगड़ा शांत हो गया तो क्या राजा जी, राजा जो है, राजा इतने लोग को लेकर आए थे कि वो माफी को तालू हो गया? हाँ हाँ हाँ, वो बाहर के लोग सबको भी लाए हुए थे, जिसको हम मैंने मैं करके नाम से नहीं भी सक पहचानूं, लेकिन कम से कम चेहरा से मैं जरूर जानता हूँ ये मेरे गांव। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर आप हाँ गिर गए तो मेरा छोटा भाई आया बचाया, और लोग सब दौड़े, चूंकि प्रोग्राम तो लास्ट चल रहा था, हल्ला जो हुआ ना यही जस्ट बगल में, हल्ला जो हुआ तो भागा सबके, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर भागा, हम गिर गए थे। अभी देख सकते हैं मेरा धोती, वही धोती अभी तक हम पहने हुए, अभी तक ब्रश खून से लथपथ बना हुआ है। सर ये खून नहीं हम कहेंगे इसको, दवा है। गिरे ना हम वहाँ पर, तो पूरे अथी में गिर गए थे, ये क्या कहते हैं गंदा सब जो था, वही गंदा हाँ गंदा गुटका पान, हाँ गुटका पान, ये सब हुआ। यहाँ से हमको खून दर 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 दर। पुलिस को शिकायत किया आप लोगों ने? जरूर जरूर, पुलिस को आई थी जरूर। क्या बोला पंडोल थाना? क्या बोला पंडोल थाना? बोला आया हम लोग को कहा आप लोग वेट कीजिए, हम आ रहे हैं हॉस्पिटल। हाँ आए, उसके बाद उन्होंने सब स्टेटमेंट लिया हम लोगों का और कहा कि आज ठीक है। ये पट्टी कैसे बांध, ये पट्टी कहाँ बनाया गया? ये सर पहले तो हम यहाँ पर गए अपना लोकल लोगों से इलाज करवाया, बगल में है वही हमको टिंचर सब लगा दिए, सब कर दिए। हॉस्पिटल भी गए थे आप? जी उसके बाद वो कौन सा हॉस्पिटल गए थे? ये पंडोल में जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है जी, सरकारी, वही थाने वाले ही हमको कहे जो प्राइवेट से नहीं, आप वहाँ भी जाके हो सकता है टीटीएस का सुइया सब ले लीजिए जाके, गोटी उटी देंगे, वो भी खा ले, चूंकि एजेड है आपका 68 ईयर्स एज हमारे लिए। गए फिर थाना वहाँ पर। तो सर आप चाहते, आप लोग चाह क्या रहे? ये तो गांव का मामला है, एक आपका अकेला मामला नहीं जी, जी, ये तो पूरे गांव का मामला, समाज का मामला, क्या चाहती है समाज यहाँ, पूरे समाज यहाँ की चाहती है, चूंकि वो बहुत क्रिमिनल माइंडेड आदमी हो गया है, वो क्रिमिनल माइंडेड हो गया है, हर एक आदमी उसे त्रस्त है और सब के सब चाहते हैं जो इस पर। सर तो जो आप माइंड के बारे में बोल रहे हैं, सरपंच फिर वो कैसे बन गए? वो नहीं, उसके बेटा नहीं, उसका बेटा बेटा आज इलेक्शन कैसे होता है बॉस, ये तो आप जानते हैं सर, इलेक्शन कैसे होता है बिन जात वत्ता का है। ठीक है सर, थोड़ा मैं आपके भाई से भी बात करूं। क्या नाम है सर आपका? श्रीनाथ झा। श्रीनाथ जी आप ये बताइए कि हमको जानकारी मिली है कि इसमें कुछ और भी मामला है, जैसा कि लोगों का कहना है, कुछ लोगों ने बताया, मैं जानना चाहूंगा आपसे, कोई शायद तालाब का मामला है, कोई ट्रस्ट का मामला है, जानकारी है आपको इसके बारे में? क्या है मामला? दरअसल मेरे गांव में एक चातुष्चरण तालाब है। क्या नाम है? चातुष्चरण। चातुष्चरण ये यही पर बगल में है हमको जी जी, वहाँ मंदिर सब है, तालाब चूंकि बड़ा है उसमें उसके आमदनी मछली पालन से जो आमदनी आता है, मलाह को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर दे देते हैं जी जी जी, उससे जो आमदनी आता है तो उससे बाबा का महादेव मंदिर है और सब मंदिर है उनका, ये उसका देख रेख होता है, पंडा जी का सब सारा खर्चा चलता है जी जी जी। तो संजोग से एक साल पहले हम उसके अध्यक्ष हो गए हैं, ये हमारे सचिव हैं, कोषाध्यक्ष अभी अभी बोल रही है। तो हम लोगों के पहले जो समिति था वो उसका टेंडर जो हुआ था तालाब का, 3 साल के लिए टेंडर होता है, तो वो राजा प्रसाद का बेटा, सुदीश प्रसाद का बेटा राजा प्रसाद ही लिया था। अच्छा ठीक है। और सुदीश प्रसाद उस समिति का एक मेंबर था जी जी, तो वो अपने बेटे को जैसे तैसे देख करके बीड करवा करके बीड हुआ था, बीड होता है, तो अपने बेटे को दिलवा दिया।
और पैसा देना क्या किया तो बंद कर दिया, पैसा नहीं दे रहा था, कमाई ले रहा था उससे। हमारे पुराने समिति के सचिव भी सब ये अवेलेबल हैं, अध्यक्ष जो थे सब मर गए, उस इनसे भी आप ले सकते हैं स्टेटमेंट पोखर तालाब के संबंध में, इससे पहले वाला समिति के। तो हम लोग भी उसको तगादा किए, पहले अभी नहीं तगादा किए, वो पैसा कुछ दिया और नहीं भी दिया। 5 लाख रुपया हम लोग का, 5,15,000 रुपया हमारा वो रख लिया, हमारा क्या महादेव का रख लिया, ग्रामीणों का रख लिया, तो अब जून 1 जुलाई को हम लोग फिर उसका टर्म भी खत्म हो गया, 30 जून को 1 जुलाई से नया टर्म लोगों को दे दिया। हाँ, नया मलाह जो है उसको हम लोगों ने टेंडर पर दे दिया जी। तो और उसके बाद से उसको हम तगादा करना छोड़ दिया जी। छोड़ दिया जो भाई महादेव का खाएगा या समस्त ग्रामीण का, वो संपत्ति है तो अपना जानेगा ही, समस्त ग्रामीण को अगर इच्छा होगा तो छोड़ दे तो छोड़ दे जी जी। तो हम तगादा भी नहीं कर रहा था उस समय से। इस बीच में हमको ये हुआ जो भाई हमको तो समिति बना, अध्यक्ष बना दिया है तो मेरा कुछ दायित्व होता है, तो उस 5 लाख के लिए हम इस पर 2-3 बार नोटिस दिए लिखित में बाय रजिस्ट्री डाक, और उसके बाद हम थे जो प्लीडर नोटिस देंगे, ये पता उसको चल गया जो हमको प्लीडर नोटिस आ रहा है, उसके बाद FIR हो गया। हाँ, तो इधर आपको 10-15 दिन से वो आक्रामक हो गया, हमारे विरोध, हमारे और सेक्रेटरी के विरोध वो आक्रामक हो गया, लेकिन हम लोग उसको नेगलेक्ट कर रहे थे, जो भाई चलो अपना जा रहा है रास्ते पर, हम भी अपने घर हैं। मेन टारगेट उसका वही है, मतलब आपका कहना यह है कि मेन जो जो मछली वाला जो पैसा है, 3 साल जो रखा उसने तालाब को, उस पैसे को लेकर के ही यह तादब, ये झगड़ा हुआ है, ये बहाना वो है, इसी को लेकर के झगड़ा किया। हाँ, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है, दुर्गा पूजा में आकर के ये हंगामा कर दिया। तो हम यही चीज है तालाब के संबंध में, हम चाहते क्या है आप लोग? हम चाहते हैं जो हमारा, अगर हम केस करेंगे ही तालाब के लिए जी जी, पैसा के लिए, तो हमारा पैसा वसूल हो जाए, हम केस नहीं करेंगे। वैसे दे सामाजिकता में तो हम केस नहीं करेंगे, बाबा का पैसा है, समाज का पैसा है जी जी, दे दे। तो यही इसी पर, इसी के लिए हम लोग वकील से भी बात किए, तो कह दो दुर्गा पूजा के बाद आप आइए पेपर लेकर। अभी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग, सब बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, गांव समाज के आपके, ये क्या उसी संबंधी बात हो रही है क्या? रात का जो झगड़ा हुआ है उसी संबंधी बात हो है, एम वो है, गेम यहाँ खेल गया है ना। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, अभी जो लोग बैठे हुए गांव के लोग यहाँ पे है, या किस संबंध में बैठे हुए थे आप लोगों ने? हम लोग थाना को FIR अभी आप लोगों ने पूरे समाज के तौर पे। हाँ हाँ, सामाजिक तौर पर जी जी, हम दोनों भाई मैन अभी जो आपने लिखा है, लगता है इसमें बहुत लोगों का साइन है इसमें, ये किया जा रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं आपका भैरव कांत झा। भैरव जी, रात जो मामला हुआ है यहाँ जी जी जी, क्या है उस मामले से आपके बारे में क्या कहना चाहिएगा? सर, ये मामला तो कार्यक्रम चल रही थी, उसमें असामाजिक तत्व जो बताए हैं राजा प्रसाद, गौरी शंकर प्रसाद, कुछ आम पब्लिक जो बाहरी अन्य ग्रामीण हमारे गांव में आते हैं उपलब्ध, हम लोग तो झगड़ा को शांत कराने, हम भी इसे कलाकार हैं, प्रोग्राम करके देवी भागवत करके आए थे शांत कराने के, उसके बाद टारगेट लिया कि नहीं, नाम लेकर के सुमन झा और सचिव भैरव झा को गोली मारना है। यह बात गोली मारने की बात किसने कहा? ये सरपंच, हाँ, तो पहले वो दोनों को घींच करके लाओ, उसके बाद बहुत से हंगामा हुआ, कुछ लोग फट्ठा ले करके, जो हमारे ग्रामीण नहीं थे, बाहर से जो कुछ लोग मंगाए हुए थे जिनको हम जानते नहीं हैं, क्योंकि उसके बारे में पूरा गांव तब परेशान है। उसके बाद फिर थाना लोग आए, फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, इन लोग का थोड़ा इलाज किलाई, जो प्राथमिक इलाज है जी जी। अभी हम लोग जा रहे हैं थाना में। सर, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि इतने पवित्र पर्व पर, इतना पवित्र त्यौहार है, इस पवित्र त्यौहार में इस तरह का जो मामला उपद्रव किया गया है, ये बहुत काफ़ी शर्मनाक है? बहुत शर्मनाक सर, ये गाँव एक ऐतिहासिक गाँव है, और जहाँ वो संस्था है वो भी एक ऐतिहासिक है, यहीं पर सूर्य को रोका गया था,
क्योंकि यहाँ पर 30-40 किलोमीटर में कहीं भी जगह होती है तो कलश यात्रा यहीं से निकलती है। ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि गांव की जो मर्यादा, जो हमारी संस्कृति, सनातन धर्म को जो नष्ट किया जा रहा है, उस पर कठोर से कठोर कानून लगाकर उसको अंदर किया जाए। धन्यवाद। हमारा नाम अखिलेश कुमार झा अछि और चातुशरण मंदिर के ओ सचिव छथि, और जै दिन से ओ सचिव भला है से एते विकास किनको रीजन में नहीं भेल छले। ओ अपन पैसा खर्च क के जकरा तकरा पकड़ के जान प्राण आँट क के महादेव के भोग राग लगबै छथि, महादेव के विकास में तन मन धन पूरा ओ समर्पित भ गेल छथि। तै व्यक्ति अगर केओ पैसा मांगे, महादेव के पाई छै तऽ सम्पूर्ण गाँव के पैसा छै, तो तै व्यक्ति के अगर पैसा मांगल जाए, ओ मंगे छलखिन, तै लेल हुनका सने एहन व्यवहार भ न तऽ ऐसा दुखद व्यवहार नहीं भ सकैए। एकटा मर्यादित गाँव छै, ओहि गाँव में एकटा गणमान्य व्यक्ति, एकटा श्रेष्ठ आदमी, पिता तुल्य गार्जन, तकरा केओ आबि कऽ मारि दै छन्हि, केओ 10 कथा कहि देलकै, भगवती पूजा चलि रहल अछि, लोक सौहार्दपूर्वक एहिठाम भगवती पूजा मना रहल अछि, आ तैठाम आबि कऽ हुनका कथा कहि दै छन्हि, बात कहि दै छन्हि, आबि कऽ मारि कऽ चलि गेलनि, कि ई उचित न्याय हेबाक चाही। जे आदमी अपन जीवन समर्पित सब छोड़ि कऽ महादेव के विकास लेल तन मन धन लगा देने अछि, जे हुनका धूप आरती नहि होइ छलनि, कमिटी में पाई एकटा रुपया नहि छलैए, से लोक से ओ चंदा कऽ कऽ ई न्याय हेबाक चाही। बहुत अन्याय भेलै, एहन दुराचारी के अन्याय हेबाक चाही, जे निश्चित। जितेंद्र झा। जितेंद्र जी, रात जो प्रोग्राम चल रहा था आपके मंदिर के कैंपस में, क्या घटना घटी रात में? रात में घटना घटी, जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, मैया का पूजा चल रहा था, ये सब काम चल रहा था, इसी समय में कुछ अज्ञात व्यक्ति ये लोग आए, आकर के यहाँ पर हंगामा करने लगे। पहले सेक्रेटरी को और अध्यक्ष को कि गोली मारो, उसका बाप सरपंच है और उसका मुंह से ये भर्षण निकला जो उसको गोली मारो। मंदिर का एक्चुअल में बात है, जो मंदिर का पैसा वो रखा हुआ है, हम इससे पहले सेक्रेटरी थे इस मंदिर के, हमारा चार्ज वो लोग लिए, हमको तो पैसा नहीं दिया, और बाबा का पूजा प्रकरण में दिक्कत हो रहा था, ये लोग चार्ज लिए, इनको भी पैसा नहीं दिया, सब पैसा बाकी है, इसीलिए वो कलह कर रहा है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम किशोर प्रसाद हुआ। किशोर जी, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए आप। जी जी, ये बोल रहे थे कि रात यहाँ प्रोग्राम हुआ था क्या? जी, प्रोग्राम हुआ था। किस तरह का प्रोग्राम था? प्रोग्राम तो अच्छा था, कल्चरल प्रोग्राम था। तो ये बताइए कि रात जानकारी मिली है कि रात यहाँ मारपीट हुई है, आपको जानकारी, आप दुकानदार हैं यहाँ तो पता होगा आपको। मारपीट हुआ सर, मैं अपने दुकान से जुड़े थे, रोड पे मारपीट हुआ, देखे हल्ला गुल्ला होते हुए। हल्ला गुल्ला खूब हुआ था? हल्ला गुल्ला तो हुआ। ये भी जानकारी होगी कि बाहर के लोग आए थे आपस में यहाँ गांव वाले? ये बाहर से भी कुछ लोग आते हैं बदमस्ती करने के लिए, उसे जिसमें हमारे ग्रामीण एक ही मन भर है ऐसा। कौन है आप यहाँ सामने आइए, क्या है, क्या नाम है आपका? दुर्गानंद झा। आप यहाँ यही रहते हैं? जी। क्या हुआ था रात में? परसों भी ये लड़का लोग ऐसे ही बदमस्ती किया, एक बाइक वाला जो हमारे गांव, अगले गांव का वार्ड सदस्य है, उसको बढ़िया तरीका मारा है। नाम था लड़के का जो मारा? राजा। राजा, तो ये राजा कौन है? ये हमारे गांव का सरपंच है, हमारे पंचायत का सरपंच का बेटा है। जी, सरपंच है वो? नहीं, सरपंच का लड़का है, बेटा लड़का है। ये कब हुआ था? ये कल शाम में लमसम, परसों 8 बजे करीब में। ये परसों हुई थी या फिर रात भी हुई थी? रात में प्रोग्राम समय में भी यही लोग बदमस्ती किया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये लोग बदमाशी? जी, जान बुझ के करता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। जमसम दुर्गा मंदिर के आप अध्यक्ष हैं? जी जी जी। क्या नाम हुआ? भूपेंद्र झा। सर, रात कोई मामला हुआ? रात में मामला ये हुआ कि हमारे यहाँ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। जी जी। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के पुजारी श्री बिमल झा जी हैं, तो वो वहाँ पर वो स्टेज पर थे और लोग दर्शक जो है दर्शक देखा में देख रहा था सब। इसी बीच में गांव का दो लड़का जो है सो आया, हम चूंकि उस समय उपस्थित नहीं थे, लेकिन जो हमको जानकारी मिली कि वो लोग आया और वहाँ पर कुछ मिशन स्वांगर किया, उसके बाद ये लोग उसको मना किए, उसी क्रम में है वो लोग जो है सो इन लोगों पर मारपीट भी शुरू किया, पूरा ग्रामीण को गाली गलौज समूचा किया, उसके बाद हम लोग नाच को बंद कर दिया, थाना प्रभारी को भी कहा कि भाई आकर के आप देखिए, और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का भी आदमी आया था, तो लोग बोला कि ठीक है आप इन लोगों को जो मारपीट लगी है
इनको आप जो है सो हॉस्पिटल में जाकर के ये कराइए और उसके बाद आप संपूर्ण जान। सर आपकी उम्र कितनी हुई होगी? हमारी उम्र 78 साल की है। 78 साल उम्र हुई है आपकी। नहीं लग रहा है कि यह बहुत ही बेहद शर्मनाक घटना? इससे शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकता। आजकल हमारी जिंदगी में कम से कम ये पूजा 200-300 साल पुराना, आज तक इस तरह की घटना कभी घटी नहीं। बहुत ही शर्म की बात है। हमने ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? इसके लिए जो उचित थाना कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो ये तो जो संस्था का ही सब गड़बड़ा जाएगा। पूजा विघ्न हो रहा है, सारी चीज गड़बड़ा रहा है। धन्यवाद आपको। राजेश झा जी, क्या मामला है यहाँ? आप बहुत गुस्सा देख रहे हैं। सर हालांकि मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ यहाँ, लेकिन ग्रामीणों से जो फीडबैक आया, सभ्य समाज में किसी भी रूप में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और इस सब की जड़ में व्यसन, शराब और ये माता रानी के मंदिर में आके सिर्फ उपद्रव करना है। सभ्य समाज में हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहिए दुर्गा माँ रानी की जय। सोना भाई हमारे प्रत्यक्ष गवाह हैं, आप उनसे। इन लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए ताकि अगले बार दुर्गा पूजा होगा तो शांति रूप से होगा। ये लोग हर समय अशांति फैलाते हैं। ग्रामीण के दृष्टिकोण से हम लोग बर्दाश्त करते हूँ, लेकिन बर्दाश्त से बाहर है। ग्रामीण के हैसियत से हम लोग कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। तो देखा आपने कि यहाँ के लोगों में कितना गुस्सा है। इन लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों पर प्रशासन सख्ती करे। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। हैं जमसम दुर्गा मंदिर में अष्टमी के रात घटी घटना से जुड़ी बातें यहाँ के सरपंच, क्या नाम है आपका? सुदृष्ट प्रसाद। सुदृष्ट जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके पंचायत में जमसम दुर्गा मंदिर में रात मारपीट हुई है अष्टमी की रात में, जबकि वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था। इल्ज़ाम है कि आप और आपके पुत्र राजा, शायद राजा नाम है वो आप बताएंगे, इन लोगों की वजह से मारपीट हुई है। कई लोगों को चोट लगी है, किसी का हाथ कटा हुआ है, क्या मामला क्या है बताया? सर हम वहाँ पर थे नहीं। हम जब 3 बजे भोर में हम वहाँ पर गए ना 4 बजे में, तो वहाँ पर पता लगा जो राजा दुर्गा स्थान पर पहुँचा तो वहाँ पर दूसरा कमलपुर का और पुवाई टोल वाले लड़का से कुछ हो रहा था। तो वहाँ पर वो खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद हुआ क्या, सुमन जी सीधा आकर के राजा का कालर पकड़ लिया। तब तक वहाँ पर माने सबको छुटम छुटा हो गया। उसके बाद फिर दोबारा आकर के वहाँ पर थोड़ा हाथापाई हो गया, वो एक थप्पड़ दो थप्पड़ भी मारा, लेकिन उसका सर कटा हुआ है ना, पुराना घाव है, उसको पट्टी खोल करके देखा जाए तो पुराना घाव है, फटा उठा से कुछ नहीं चला। अच्छा, ये कट्टा की बात चल रही है तो बंदूक चलाने की बात चल रही है। आप सरपंच हैं, इतने जिम्मेदार, आपको लोगों ने प्रतिनिधि बनाया है, चुना है, क्या इस तरह की बात आपने बोला है? सर हमको तो अब समझ में नहीं आ रहा है सर, हम तो थे भी नहीं वहाँ पर। जो हम आपको बारे में बताया जा रहा है कि आप भी थे, आपने कहा कि मारो इन लोगों को, नहीं ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात नहीं। इन लोगों ने थाना में शिकायत भी करा है, अभी इन लोगों ने एक देखे हैं कि पब्लिक पिटीशन भी दिया है। आपको पुलिस बुलाई थी, इस पर कुछ कार्रवाई? नहीं, हमको अभी तक फोन नहीं हुआ है पुलिस से। आपको इस तरह की? नहीं, अभी तक हमको फोन नहीं। क्या लग रहा है, आप सरपंच आप ये बताएं तो फिर इन जो गांव के लोग इतना उग्र हैं, इसकी वजह क्या है? आप पर एक और इल्जाम लग रही है कि आप लगभग 5 लाख से ज्यादा रुपया आप जो है मछली तालाब में, ये आप ग्रामीण से बात कर लीजिएगा, ये हमसे नहीं बात की। तो ग्रामीण से वहाँ कई लोगों ने बताया, आपको नोटिस किया गया है? हमारे पास नोटिस था ग्रामीण के हिसाब से सर, जब पोखरी का ट्रांजेक्शन पूरा तो हमने उसको पैसा लेकर के 2 लाख 2.25 लाख रुपया गया, पोखरी उन्होंने बेच लिया था। हाँ, वो बेचा है, उन्होंने कबूल किया है, बेच लिया। अगर पुरना पार्टी को कहने से पहले वो पोखरी बेच लिया जाता है और पुरना पार्टी को सूचित नहीं किया जाता तो पोखरी में मछली मारने के बाद ही ना पैसा दिया जाएगा। हम पोखरी अपने जेबी से तो नहीं पैसा दिया जाएगा। नोटिस क्यों करवा रहा है आपको, समझ में नहीं आ रहा है? हमको बोला जो पोखरी में जाल नहीं गिराने देंगे, तो हम बोला तो हम पैसा नहीं देंगे, आप मछली रख लीजिए, महादेव का पैसा है, महादेव का 1 रुपया नहीं खाएंगे, महादेव का पैसा आप लोग मछली मार के रख लीजिए, अलग मछली मारने दीजिएगा तो हम पैसा दे देंगे टोटल। सरपंच साहब जो इससे पूर्व पहले बलदेव जी था, उनको हमने जाकर के दुर्गा मंदिर पर बोला जो सर आपको हम 1 लाख रुपया जमा करते हैं, राजा पोखरी लिया है, हम नहीं लिए हैं, लेकिन राजा पर आपको अगर विश्वास नहीं है तो हमने 1 लाख रुपया आपको डिपुट करते हैं, हमको मछली मारने दीजिए आप, उसके बाद में अगर घाटा लगे चाहे फायदा हो, हम आपको पूरा करके 2.25 लाख रुपया हमने आपको दे दें। तो मतलब आपके हिसाब से आपके यहाँ कोई पैसा नहीं है मछली? नहीं, हम मछली छोड़ दिए, मछली छोड़ दिया। हाँ, मछली हम छोड़ दिए। तो देखा आपने कि ये थे सरपंच सुधिष्ठ प्रसाद जी जो जमसम
के सरपंच हैं। पंचायत आपका क्या है? पंडोल पूर्वी पंचायत है। इनका कहना है कि मेरे यहाँ कोई पैसा बाकी नहीं है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि इनके यहाँ पैसा बकाया है। अब तो यह मामला अगर कानून में जाता है तो कानून ही इंसाफ करेगा कि आखिर दम किसकी बातों में है। आप हमारी यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।